फैमिली न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम। और देखिए फ्रेंड्स, ये मशरूम रखा है और ये मैंने लहसुन छील के रख लिया, ये प्याज छील के रख लिया और ये मिर्ची रखी है, ये टमाटर रखा है। अभी मैं इसको बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये लहसुन प्याज मिर्ची को मैं इसमें डाल देती हूँ इस ग्राइंडर जार में ग्राइंड करने के लिए। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है फ्रेंड्स, मिक्सी में नहीं काटना है, पीसना है इसलिए, ताकि मिक्सी में ज़्यादा महीन हो जाता है, उसका टेस्ट अलग रहता है, इसका अलग रहता है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से काट लेना है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से कट रहा, धीमे धीमे काटना है इसको। देखिए फ्रेंड्स ये कट कर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो मैं काटती हूँ टमाटर, इसको भी धीरे धीरे आराम से काटना है फ्रेंड्स, टमाटर को भी। देखिए फ्रेंड्स टमाटर भी कट करके रेडी हो गया है। मैं डालती हूँ कढ़ाई में तेल। देखिए फ्रेंड्स तेल मैंने डाल दिया है। मैं प्याज डालती हूँ, देखिए प्याज भी डाल दिया मैंने। इसको धीमी धीमी आंच में पकाना है। देखिए फ्रेंड्स प्याज पककर रेडी हो गया। मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को भी धीरे धीरे चलाते जाना है, अच्छे से पकाना है फ्रेंड, ताकि ये नीचे लगे नहीं जब तक इसका पानी ना पक जाए। अच्छे से धीमी धीमी आंच में इसको पकाना है। देखिए टमाटर भी पक करके रेडी हो गया है फ्रेंड। डालती हूँ इसमें मसाले। मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको भी धीरे धीरे चलाना है, अच्छे से पकाना है मसाले को। अगर मसाले को धीमी धीमी आंच पे नहीं पकाएंगे तो ये नीचे लगने का डर रहता है, जल जाएगा, तो फिर सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा। फिर धीमी धीमी आंच पे पकाना है तब तक जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। तो देखिए मसाले हमारे पककर रेडी हो गए हैं, फिर तेल ऊपर आ गया। मैं डालती हूँ मशरूम, इसको भी धीमी धीमी आंच पे हल्के से चलाना है थोड़ी देर। देखिए फ्रेंड्स मशरूम मैंने डाल दिया, अच्छे से पक गया। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। फ्रेंड्स मैंने पानी डाल दिया है, इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक एक ही चम्मच डालती हूँ क्योंकि इस कढ़ाई में जब भी कुछ बनाती हूँ तो एक ही चम्मच पड़ता है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मशरूम बनाने की रेसिपी फ्रेंड्स? अगर आप सभी लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू आए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे न्यू ब्लॉग आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। फ्रेंड्स ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।